वेलकम स्टूडेंट्स टू क्लास फिफ्थ. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट चैप्टर फर्स्ट डिक्शनरी. व्हाट इज डिक्शनरी? डिक्शनरी इज अ टाइप ऑफ बुक बाय विच वी कैन फाइंड एनी टाइप ऑफ वर्ड विद देयर मीनिंग, प्रोनाउंस एंड टाइप्स. डिक्शनरी एक ऐसी बुक होती है जिसमें हम किसी भी वर्ड का मीनिंग, उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं और उसका टाइप्स कैसा होता है, यानी कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, ये हम पता करते हैं. हाउ टू यूज डिक्शनरी? डिक्शनरी का यूज कैसे करते हैं? अल्फाबेट्स ऑलवेज अल्फाबेटिकल ऑर्डर. अल्फाबेट जो होते हैं वो हमेशा अल्फाबेट ऑर्डर में ही होते हैं, जैसे कि ए बी सी डी, इस तरह से जो ऑर्डर रहता है उसमें होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सी जी बी एफ, ये जो ऑर्डर है ये इनकरेक्ट ऑर्डर है. अब इसका राइट ऑर्डर है, सबसे पहले ए आता है, लेकिन यहाँ पर ए नहीं है तो सबसे पहले हम लेंगे बी, देन सी, देन सी के बाद डी आता है, बट डी यहाँ नहीं है तो हम नेक्स्ट लेटर लेंगे. नेक्स्ट डी के बाद ई भी नहीं है तो हम नेक्स्ट लेटर लेंगे एफ, एफ के बाद जी. इसी तरह से हमारा ये ऑर्डर चलता है, ये होता है हमारा करेक्ट ऑर्डर. इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ गिवन वर्ड इज सेम, वी कंसिडर देयर सेकेंड लेटर एंड पुट देम इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. अगर हमारा फर्स्ट लेटर सेम होता है तो हम जब डिक्शनरी में फाइंड करते हैं वर्ड्स मीनिंग तो हम उसका सेकेंड लेटर कंसिडर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एप्पल, एंट, एबल, एक्रोस, ये जो होता है ये इनकरेक्ट ऑर्डर होता है डिक्शनरी का. डिक्शनरी में हमेशा ए बी सी ऑर्डर में होता है, जैसे कि ए, हम सारे ए लेटर से के वर्ड्स फाइंड कर रहे हैं तो ए, ए के बाद बी दिया हुआ है, ए बी एल ई फर्स्ट वर्ड हमारा, सेकेंड वर्ड में ए, ए के बाद क्या आ रहा है सी, ए सी आर ओ डबल एस, थर्ड में ए एन टी और फोर्थ में ए डबल पी एल ई. तो जब हम सेम लेटर, सेम जो लेटर होता है फर्स्ट लेटर, तो हम जब इसका मीनिंग फाइंड करते हैं तो हम फर्स्ट लेटर सेम होने पर सेकेंड लेटर से कंसिडर करते हैं. अब फर्स्ट में देखिए आप एबल, एबल में ए के बाद क्या आ रहा है बी, सेकेंड में सी, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी आता है और बी के बाद सी आता है, देन सी के बाद डी, बट यहाँ पे एन है तो हम जब देखेंगे उसमें डिक्शनरी में वर्ड्स का मीनिंग फाइंड करने के लिए तो हम, हमें यहाँ पर सी के बाद डी वाले वर्ड्स मिलेंगे, देन एप्पल. तो इसी तरह से हमारा ऑर्डर आगे आगे चलता जाएगा. अब इसका करेक्ट वे है, सेकेंड नंबर में आप देखिए बॉल, बट, बॉक्स, बेंच, ये इनकरेक्ट ऑर्डर है क्योंकि इसमें हमारा फर्स्ट लेटर तो सेम है बट सेकेंड में ए, ए के बाद फिर सेकेंड लेटर यू, फिर बॉक्स का ओ और बेंच में ई है. इसका करेक्ट ऑर्डर है ए, ए के बाद फिर ई, ई के बाद ओ और ओ के बाद यू. तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर चलता है. इफ द फर्स्ट टू लेटर सेम, वी कंसिडर देयर थर्ड लेटर. अगर हमारा फर्स्ट लेटर भी सेम है और सेकेंड लेटर भी सेम है तो हम फाइंड करते समय मीनिंग जब देखते हैं तो हम थर्ड लेटर कंसिडर करते हैं, यानी कि थर्ड लेटर से हम उसको ढूंढते हैं. एग्जाम्पल देखिए आप, चीप, चेयर, चॉइस और चर्च, ये हमारा इनकरेक्ट ऑर्डर है क्योंकि इसमें सी एच, इसके बाद हमें जब हम डिक्शनरी में देखेंगे तो सबसे पहले हमें सी एच के बाद ए लेटर से बने हुए वर्ड्स मिलेंगे, फिर थर्ड में हमारा आएगा ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, सी एच ए, सी एच बी, सी एच डी, इस तरह से हमें वो ऑर्डर टू ऑर्डर मिलते जाएंगे. अब इसका करेक्ट ऑर्डर देखिए आप, चेयर, सी एच, इसके बाद ए आ रहा है, सेकेंड लेटर में, सेकेंड वर्ड में आप देखिए चीप, सी एच आई, थर्ड में चॉइस, सी एच ओ आई सी ई, और फोर्थ चर्च, इसमें देखिए आप सी एच यू आर सी एच. जब हम इन तीनों में अब देखेंगे कि सी एच सी एच सी एच, तो इनमें हमें थर्ड लेटर में सबसे पहले हमें ए मिला, फिर ए के बाद आई, आई के बाद ओ और ओ के बाद यू, ये हमारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले लेटर आते हैं, उसके बाद आई ओ और यू आता है. इस तरह का ऑर्डर डिक्शनरी में हमें मिलेगा. दिस इज द पिक्चर ऑफ डिक्शनरी पेज. ओके, जब हम डिक्शनरी को ओपन करेंगे तो हमें इस तरह का पेज वहां मिलेगा. ये कैपिटल ए बना हुआ है
इसका मतलब ये होता है कि हमें इस पेज पर ए लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स की मीनिंग मिलेगी। इसी तरह अगर हमें बी लेटर से बने हुए वर्ड्स का मीनिंग देखना है, सी से देखना है, एच, वाई, अल्फाबेटिकल जो भी 26 लेटर है, हमें उनमें से किसी भी वर्ड का अगर हमें मीनिंग फाइंड करना है तो हमें डिक्शनरी के पेज के सबसे ऊपर हमें कैपिटल बना हुआ ये लेटर देखना है कि हमें एच से देखना है, तो हम यहाँ पर एच वाला पेज ओपन करेंगे ताकि हम उसको जल्दी से देख सके, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। यहाँ आप देखिए, आपको पेज के लेफ्ट साइड में अबेकस लिखा हुआ दिख रहा है और राइट साइड में देखिए एक्रोस। हमारे यहाँ दोनों फर्स्ट लेटर सेम है, ए और इधर भी ए, बट लेफ्ट साइड में बी है और राइट साइड में सी है, यानी कि हमें ए बी और इधर ए सी, इन दोनों लेटर्स के बीच में जो वर्ड्स हैं वो सारे वर्ड्स हमें इस पेज पर मिल सकते हैं। अगर हमें ए बी और इधर है ए सी, अगर हमें एड्रेस का मीनिंग फाइंड करना है तो एड्रेस की स्पेलिंग हमें पता है कि ए के बाद डी आता है उसमें ए, तो हम यहाँ ए बी है और इधर देखेंगे कि ए सी है, हमें ए के बाद क्या चाहिए, डी, तो हम इस पेज को टर्न ओवर कर देंगे और नेक्स्ट पेज पर उसको ढूंढेंगे। इफ वी वॉन्ट टू फाइंड द मीनिंग ऑफ बैम्बू देन वी सी ऑन पेज नंबर 24, बेसिलस इज द फर्स्ट वर्ड of this page and belt is the last word of this page. So we see in next page number 25, bell. Bell is the first word of page number 25 and bar is the last word of page number 25. So in this page we find our word bamboo, B A L. B A L के बाद हम देखते हैं कि M आता है, तो हम इस पेज पर हमारा जो वर्ड है बैम्बू उसका मीनिंग हम फाइंड करेंगे। यहाँ हम देखते हैं B A L के बाद M आता है, तो L यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, ये हमारा लास्ट वर्ड है B A L M, यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है M वाले वर्ड्स, तो B A M B O O, हियर बैम्बू, बैम्बू N, ये नाउन है, टाल प्लांट विथ हार्ड एंड हॉलो स्टीम, ये एक लंबी स्टीम यानी कि लकड़ी होती है, एक जो खोखली होती है, और इसका हिंदी मीनिंग है बांस। तो इस तरह से हमने इस पेज पर फाइंड किया बैम्बू का मीनिंग कि ये नाउन है और ये इसका हिंदी मीनिंग होता है बांस, और इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि ये एक लंबी सी खोखली, एक स्टीम होती है। ओके, तो इस तरह से हम अपने जो भी वर्ड्स होते हैं उनको हम डिक्शनरी में फाइंड कर सकते हैं कि इसका प्रोनंसिएशन, देखो ये ब्रैकेट में आपको प्रोनंसिएशन दिया हुआ है कि बैम्बू, बहुत सारे बच्चे इसको बम्बू पढ़ लेते हैं बट वो रॉन्ग होता है, तो हमें यहाँ करेक्ट प्रोनंसिएशन मिलेगा बैम्बू। देन ये टाइप्स कि ये क्या है, नाउन है, वर्ब है, तो ये हमारा नाउन हो गया। देन इसका एक्सप्लेन दिया हुआ है कि टॉल प्लांट विथ हार्ड एंड हॉलो स्टीम्स, उसके बाद इसका हिंदी मीनिंग दिया है कि बांस, कि बैम्बू का हिंदी मीनिंग होता है बांस। तो इस तरह से आपको जो भी वर्ड डिफिकल्ट लगता है या आपको उसका मीनिंग पता नहीं है या उसका टाइप्स पता नहीं है, तो आप इस तरह से डिक्शनरी का यूज करके उन वर्ड्स के मीनिंग फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ योर होमवर्क टाइम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेट्स ऑर्डर। ये जो नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं इनको आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। आपको जैसे बताया ही था एबीसी ऑर्डर जो चल रहा है हमारा, तो आपको उसमें इनको अरेंज करना है। देन सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द फॉलोइंग वर्ड्स इन डिक्शनरी एंड राइट देयर मीनिंग। नीचे जो कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं इनको आपको डिक्शनरी से फाइंड आउट करना है, इनकी मीनिंग आपको लिखना है कि इनका मीन्स क्या होता है, एक्सप्लेनेशन भी लिखना है और इसका हिंदी मीनिंग भी लिखना है कि इनका मीन्स क्या होता है। ओके, थैंक यू।